चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 18 के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। इस वीडियो में हमारे पास पहला वर्ड है थाई, टी ए आई थाई। चाइनीज के अंदर हम जानते हैं कि टी को थे के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, थे की तरह। तो ये क्या है, थाई। थाई मतलब वेरी मच, ठीक है। ये असल में हन की सेकंड डिग्री है, यानी हन था वेरी, बहुत, और थाई है वेरी मच। थाई, थाई, वा थाई हाओ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं। वा द पी थाई लाओ, मेरा कलम बहुत ज्यादा पुराना है। वा द पी मेरा कलम थाई बहुत ज्यादा लाओ पुराना है। लाओ हमने देखा है ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जी चे, जेड एच ई चे, चे, चे मतलब दिस, ठीक है। दिस, दिस हम बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। था को हम जानदार चीजों के लिए, यानी किसी पर्सन के लिए हम था यूज करते हैं, और चे जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स। चे, चे यानी दिस, दिस यानी ये, ठीक है। एग्जाम्पल, चे शिर शम्मा, ये क्या है, शम्मा यानी वट, चे शिर शम्मा ये क्या है। चे शिर पी, ये कलम है, ये पेन है। इसी तरह हमारे पास वर्ड है ना, एन ए ना, ना यानी डैट वो, ठीक है। ना, ना, तो इसकी एग्जाम्पल है ना शिर शम्मा, वो क्या है, वट इज डैट, ठीक है। ना शिर शम्मा, तो जवाब क्या होगा, ना शिर शू, वो किताब है, ये जो भी चीज होगी, ठीक है। किसी दूर की चीज को इशारा करने के लिए ना डैट, और किसी करीब की चीज को इशारा करने के लिए दिस ये, ठीक है। ये दोनों इशारे के लिए यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने वर्ड देखा था क्वेश्चन पूछने के लिए कौन हूं शई, पिछली वीडियो में एस एच ई आई शई, ठीक है। तो इसी से हम शई से नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे अपना शई द, यानी हूज। शई के साथ हमने लगा दिया डी ई द, तो ये क्या बन गया, शई द, इसका मतलब हो गया हूज। शई का मतलब हु, और शई द, शई द, शई द, शई द यानी हूज, किसका, ठीक है। चे शिर शई द पी, ठीक है। चे शिर शई द पी, ये किसका, ये किसका कलम है, ठीक है। चे शिर ये है, शई द किसका। अब हम, ये तो हमने क्वेश्चन बना दिया, अब शई द के बाद हम लगाएंगे कि जिस चीज के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या है, पी यानी कलम। चे शिर शई द पी, ये किसका पेन है, चे शिर वादा पी। क्वेश्चन के अंदर आंसर है, आपने चे का वैसे लगा देना है, शिर वैसे का वैसे आ गया, शहीदा की जगह आपने जो भी उसका होगा, मतलब कि मलकियत जो भी होगी, यानी मेरा है, उसका है, किसका है, वो आपने यहां पे लगा देना है, वादा पी, ठीक है। अब ये देखें, इसी तरह एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, यानी किसी के वालिद साहब आए हों क्लास के अंदर, वो कहते हैं जी किसी के अबू आए हैं, तो फिर हम मतलब कि क्लास फेलो काफी ज्यादा बैठे हैं, कोई बाहर से आता है, वो कहता है आप में से किसी के अबू आए हैं, तो वो सारे पूछेंगे किसके अबू, किसके अबू, वो कैसे पूछेंगे, वो कहेंगे शहीदा पापा लाए, किसके अबू आए हैं, शहीदा किसके पापा अबू लाए आए हैं, शहीदा पापा किसके अबू लाए आए हैं, यानी इसमें एक सब्जेक्ट के तौर पर आ गया। वो कहेगा वा द पापा लाए, या था द पापा लाए, नी द पापा लाए, उसके अबू आए हैं, तुम्हारे अबू आए हैं, मेरे अबू आए हैं, ठीक है, इस तरह से। चे शिर नी द पी, ये किसका कलम है, चे पू शिर वा द पी, ये मेरा कलम नहीं है, ये पू आपने देख लिया। इसी तरह हमने देखा कि
अब ये मैं आपको इसमें शई को दो तरीके से यूज करके दिखाऊंगा, यानी शई को आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, हम किस तरह यूज करेंगे। शई शिर, कौन है निदा लाओ शिर, तुम्हारा टीचर, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हारा टीचर कौन है, शई शिर कौन है। एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन करने का शई के साथ, तो दूसरा कौन सा है, निदा लाओ शिर, तुम्हारा टीचर शिर शई कौन है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, शई शिर निदा लाओ शिर, निदा लाओ शिर शिर शई। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा, ये छोटी सी वीडियो थी, शईदा हमारा मेन वर्ड था, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर करिएगा वीडियो।